नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कल वाली क्लास में, और हमने उसमें आपको बताया था कि आईएएस पीसीएस की जो फ्री कोचिंग कराई जाती है उसका एग्जाम पेपर कैसा आता है, तो आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे उन सारे प्रश्नों को जो 2019 के एग्जाम में वो प्रश्न पूछे गए थे। तो जो भी साथी पहली बार चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और जो भी पुरानी वीडियो हमारी सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अपन वीडियो को अवश्य देखिए। और देखिए, जो छात्र एससी, यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जो छात्र एससी, ओबीसी और एसटी कैटेगरी से आते हैं वो हमारी उस वीडियो को अवश्य देखें जो हमने बनाई थी कि आईएएस पीसीएस के निःशुल्क कोचिंग आप कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, किस किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या योग्यता हो, सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की थी। वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और आई बटन पर भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप प्ले लिस्ट में भी जाकर उस वीडियो को अंदर जाकर देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास थोड़ी स्पीड से करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, तो थोड़ी स्पीड से क्लास करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न कह रहा है दिल्ली सल्तनत में, देखिए सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है एग्जाम को हुए, ठीक है। प्रश्न कह रहा है दिल्ली सल्तनत के काल में फतवा ए जहांदारी पुस्तक किसने लिखी थी, पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जियाउद्दीन बरनी ने लिखी। देखिए किताब का आप नाम याद रखेंगे, फतवा ए जहांदारी किसने लिखी, जियाउद्दीन बरनी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यहाँ कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किए थे, तो ध्यान रखना होगा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे। पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तृतीय बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1940 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है तीसरा कि शियादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों ध्यान रखना होगा तीसरे प्रश्न का आइटम फ्रोजा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर शून्य की खोज किसने की थी, तो आइटम फ्रोजा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ने। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रही है। एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साथी 2020 और 2021 में आईएएस पीसीएस की फ्री निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए पेपर पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका लेवल पता चल जाएगा और आपको ये पता चलेगा किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मैं ये सारी एनालिसिस करूंगा अगली वीडियो में। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न करा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था, तो आपको बताऊंगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, उस समय जो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक वो सॉरी जो शासक था वो था जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आसफ शाहजहां ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न करा गांधी जी की डांडी यात्रा की समाप्ति तिथि है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है गांधी जी की जो डांडी यात्रा थी उसकी समाप्ति की तिथि क्या है, तो आइटम फ्रो यहाँ पर छात्र प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल 1930। वैसे देखिए ये पेपर तो 2019 में हुआ था, इसके सारे जो आंसर है मैंने सही सही लाने की कोशिश की है, बट आपकी नज़र में किसी भी प्रश्न का गलत आंसर लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस प्रश्न का आंसर ये होगा। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करके ये वीडियो बना रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आठवां प्रश्न है कि बंगाल में जब 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा पर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है बम्बई से थाने के मध्य प्रथम रेलगाड़ी किस वक्त चलाई गई थी, तो दोस्तों पता होगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सन 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, जिसकी टोटल जो लंबाई थी वो 34 किलोमीटर, ये थाने से मुंबई के मध्य चलाई गई थी, कब चलाई गई थी 1853 में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है कि किस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास वर्णित है, ध्यान रखना सकते हो राइट आंसर हो जाएगा राज तड़ंगरी, ये कश्मीर के इतिहास से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 11वां प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती हैं, फटाफट बता दीजिए कौन कौन सी नदियाँ जो कैस्पियन सागर में गिरती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा ए और तीन, यानी वोल्गा नदी और डेब्यू नदी, ये कहाँ गिरती है कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है, इसको झील भी कहा जाता है, सागर के साथ साथ इसको झील का भी दर्जा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, किस विद्वान के अनुसार पौधों का प्राचीनतम उद्भव स्थल दक्षिण एशिया पूर्वी एशियाई को माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, काल और सावर को। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 13वां
गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, यह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? तो साथियों ध्यान रखना, गंगा उसकी सहायक नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा आपके सुंदरबन से प्रारंभ होता है, सुंदरबन का प्रताप का बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 14 प्रश्न कह रहा, भारत में प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो कोडाई कनाल आपका पड़ता है वो पड़ता है आपका पालनी पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 15 में, सकाई जनजाति निवास करती है, ध्यान रखना वो साथियों, सकाई जनजाति निवास कहाँ करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा उष्ण मरुस्थली प्रदेश में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नदी की अपरदन क्षमता वहाँ अधिकतम होती है जहाँ वेग अधिक होता है। जी साथियों, जो वेग यानी वहाव अधिक होगा वहाँ पर उसकी अपरदन की क्षमता अधिक हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। देखिए प्रश्न कह रहा है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 2019 के अनुसार, जो 2019 में एग्जाम हुआ था उस समय तक, यानी आज भी वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा जो रेशम का उत्पादक वो है कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोडा कहाँ के निवासी हैं? बताइए फटाफट, टोडा कहाँ के निवासी हैं? तो केरल के मुस्लिम हैं। वैसे इसका सही उत्तर केरल के मुस्लिम होगा, अगर आपकी नज़र में कोई दूसरा उत्तर होता तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, वैसे राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मतदान रेखा है? तो 85% पूर्वी देशांत भारत की मतदान रेखा होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सोन नदी, नर्मदा तथा माही नदी निकलती हैं, तो ये सारे तीनों नदियाँ सोन, नर्मदा, माही कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पड़ती हैं? तो ये दोस्तों आपकी पड़ती हैं मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व वन जीव कोष यानी WWF के लोगों में कौन सा प्राणी प्रदर्शित होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जायट पांडा, ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपन प्रश्न कह रहा है, भारत में चल वन जीव अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पर है ये चल वन जीव अभ्यारण्य? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। दोस्तों ध्यान रखना, ज़्यादा प्रश्न टफ नहीं आता, आप केवल करंट अफेयर पर फोकस लगा लीजिए। आपके एग्जाम से 7 से 8 महीने से, यानी अब 2020 के जनवरी से अभी तक की, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा, आप 7-8 महीने की करंट अफेयर आसानी से कवर कर लीजिए। आप इस प्रश्न पेपर को आसानी से फाट कर सकते हो, आप आसानी से ISPCS की निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर सकते हो, बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी दी जाती है आपको, रहना, खाना पीना, रहना सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री, बुक्स वगैरह, लाइब्रेरी, इंटरनेट सुविधा, सारी चीजें निशुल्क कराई जाती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था आनन हेकन, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर कह रहा है, केरल स्थित पेरियार अभयारण्य स्थित है, किसके लिए स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जंगली हाथी के लिए, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर अगला प्रश्न आपके सामने फिर से आ गया। देखिए प्रश्न कह रहा है, 25 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसे मार्टियल प्रोटोकॉल कहा जाता है संबंधित है किससे है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण से। वीडियो को इसीलिए थोड़ी स्पीड से बनाया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, समय कम है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 22 अप्रैल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलाशयों में शैवाल प्रस्पुष्ट जिसमें प्लवकीय शैवालों की मात्रा में अतिशय वृद्धि होती है किसके कारण होती है? प्राइटम फ्रो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, उपयुक्त सभी यानी मछलियाँ मर जाती हैं, ऑक्सीजन घट जाता है और जल की गुणवत्ता घटती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 28 में भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1981 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महासागरीय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में आवास की अधिक विविधता दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो वो दर्शाती है आपकी अधिक जैव समानता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए विश्वास की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भारतीय प्रस्तावना में उल्लेख है, जब आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि का व्यवसाय किया गया, यानी आकस्मिक निधि का वर्णन किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल हो जाएगा ऑप्शन ए, 267। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपवन का विचार किस देश से ग्रहण किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फोर्थ, जर्मनी से ये ग्रहण किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हाल ही में भारत का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों पहली बार भारत में लोकपाल का पद सृजित किया गया, तो ये कौन व्यक्ति बने? तो पिनाकी चंद घोष आपके देश के प्रथम लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संवैधानिक सरकार वह है, क्या है संवैधानिक सरकार, तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी केवल बी वाला, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती वही संवैधानिक सरकार कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि भारत ने नीति आयोग की स्थापना निम्न में से किसके स्थान पर की है, तो ध्यान रखना और योजना आयोग के स्थान पर आपकी नीति आयोग गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारतीय संघवाद को निम्नलिखित में से किसने सौदेबाजी का संघवाद कहा है, तो ये किसने कहा ये आप फटाफट देख लीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मॉरिस जॉन्स ने। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 12 के संबंध में निम्न से कौन सी राज्य की परिभाषा से संबंधित है, तो यहाँ पर कौन कौन से राइट आंसर हो जाएगा वो आप देख लीजिए, तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक, यानी ए बी और सी। देखिए संसद और राज्यों के विधान मंडल, संघीय कार्यपालक और राज्य की कार्यपालिका, नगर पालिका एवं पंचायत आर्टिकल 12 में परिभाषित की गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न कह रहा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, क्या होगा कर्तव्य देख लीजिए यहाँ पर, कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार उपयुक्त तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो ध्यान रखना ये क्या होते हैं मूल कर्तव्य होते हैं, कर्तव्य आपके आर्टिकल 51 में दिए गए हैं। ठीक है, अगर कभी कभी आपसे भाग भी पूछ सकता है तो आपको ध्यान रखना चार काम है, भाग चार का और आर्टिकल 51 में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से कवर कर सकते हो। देखिए इसमें क्या दिया गया है 41 में प्रश्न में, क्या आप इनमें अंतर देख लीजिए, कि यहां पर 5 आ रहा है, 5 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले आपके 2 ऐड हो रहे हैं, फिर 3, यानी 2 ऐड हो रहे हैं। देखिए 5 3 8 होते हैं, 8 3 11, 11 3 13 होते हैं, इसी प्रकार यहां पर भी ऐड हो रहा है, इसी प्रकार इसमें ये सारे ऐड हो रहे हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो 42 में दिया गया है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इनको आप देख लीजिए, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसका पीडीएफ वहां से प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको जीएस और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, रीजनिंग और मैथ के आप खुद कर लीजिए सॉल्व, नहीं तो मैं आपको अगली वीडियो में इनके सॉल्व आंसर दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या कह रहा है प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब देश की पहली कृषि नीति आयोग को मंजूरी प्रदान की थी, तो 6 दिसंबर 2018 को यह प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया, यानी वर्तमान में कौन है, तो ऋषि कुमार शुक्ला, यहां पर ऑप्शन नंबर 4th राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर भारत में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरिया है वर्तमान में ऑप्शन 3rd। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के पहले पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th निर्मला सीतारमण। दोस्तों करंट अफेयर से यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर आप अपना मजबूत कर लीजिए, ज़्यादा टफ करंट अफेयर नहीं आता, बट नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा, बाघ संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन January 2019 में कहाँ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3rd राइट आंसर नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस IIT ने नई नदी की धाराओं से बिजली बनाने की डिवाइस का परीक्षण किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए IIT रुड़की ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्र सरकार भारत में वस्त्र उद्योग का अध्ययन करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की, तो यहाँ पर कौन सी परियोजना जहाँ पर ये प्रारंभ किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4th इंडिया वाइस परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 ओम बिरला, राजस्थान के कोटा सीट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, केंद्र सरकार कब प्रतिस्पर्धा अधिनियम की समीक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम समीक्षा समिति का गठन किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 23 सितंबर 2018 को। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई क्या कह रहा प्रश्न, किस एशियाई देश ने जैव विविधता सम्मेलन की 6ठी राष्ट्रीय रिपोर्ट सौंपी, राइट आंसर ऑप्शन 4th भारत। अगला प्रश्न कह रहा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्थायी होता है, राइट आंसर हो जाएगा पर ऑप्शन नंबर ए PV206 लेड, यानी लेड। ठीक है, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का भी और उसका भी, आप जिस पर ज्वाइन होना चाहते हैं उस पर ज्वाइन होकर आप इसका PDF पा सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही साथ इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर देता रहता हूं। अगला क्वेश्चन कहला, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पर सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र क्या होता है, तो केवल चुंबकीय होता है, ऑप्शन 4th। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना निम्नलिखित में से किस घटना का आधारित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
प्रकीर्णन, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर तथा पृथ्वी के केंद्र पर मनुष्य का भार क्रमशः X1 तथा X2 हो तो निम्नलिखित में से सत्य विकल्प क्या हो जाएगा। देखिए जब जी का मान पृथ्वी पर 0 होता है तो यहाँ पर ऑप्शन 4th राइट आंसर, X1 = 0, X2 = 0 यानी बराबर हो जाएगा ऑप्शन 4th। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। किस देश ने असंतुलित भुगतान को संतुलित करने के लिए निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक आर्थिक सहायता प्रदान करता है, तो वो उस बैंक का नाम होता है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था में इच्छुक स्तर के मुद्रा प्रभाव को प्राप्त करने के लिए घोषित की जाने वाली मौद्रिक एवं शाखा नीति में भारतीय रिजर्व बैंक कई उपकरणों का इस्तेमाल करता है, जैसे कौन कौन से उपकरण होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए 59वें प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन कौन से उपयुक्त सभी यानी 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है CRRN नगद आरक्षण अनुपात और बैंक दर और यहाँ पर SLR। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व बैंक की मशहूर ड्यूइंग बिजनेस रिपोर्ट से जुड़े सत्य कथनों को देखिए, यहाँ पर क्या क्या सत्य कथन हो सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2 सही है, यहाँ पर तीसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्न में से विश्व बैंक से जुड़ा संस्थान नहीं है, यानी विश्व बैंक से इनमें से कौन सा नहीं जुड़ा, तो ऑप्शन 4th मीगा और IFC विश्व बैंक से नहीं जुड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। भारत में भूमि विकास बैंक निम्न में से किस बैंकिंग संरचना के अंग है, तो नाबार्ड संबंधित है यानी नाबार्ड कृषि से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन 4th राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गठित मुद्रा बाजार की आवश्यकता की सिफारिश किस समिति द्वारा 1985 में की गई थी, तो उस समिति का नाम था एस चक्रवर्ती समिति, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पूंजी खाते में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 64वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए विदेशी शेयर निवेश। अगला क्वेश्चन है धन शास्त्र धन का विज्ञान है, ये सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नई विनिवेश नीति की घोषणा कब की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2016 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटाना केंद्र निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, कूट द्वारा बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा पर ऑप्शन नंबर 4th ABCD यानी चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किससे, तो दोस्तों ध्यान रखना कृष्ण क्रांति एग्जाम में कई बार पूछी गई, राइट आंसर हो जाएगा पर देश के पेट्रोलियम और खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर से जुड़ी क्रांति है यानी कृष्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17वां प्रोड्यूसर गैस है, तो राइट आंसर हो जाएगा पर ऑप्शन नंबर ए CO+N2 प्रोड्यूसर गैस होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 71वां एक रासायनिक तत्व के परमाणु के बारे में चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है, राइट आंसर हो जाएगा पर ऑप्शन नंबर सी आकृति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए 80/35 BR में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन समूह दर्शाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 45 35 ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती करने देती परंतु भाप के साथ देती है, तो ऐसी कौन सी धातु, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd एल्यूमिनियम 73वां प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण का एवं अपचयन दोनों गुण प्रदर्शित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 यानी 1, 2 और 4 ABD राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया देखिए रीडिंग का क्वेश्चन, तो आप रीडिंग के क्वेश्चनों को आसानी से लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारे आपके रीडिंग के क्वेश्चन हैं जो आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है, जो वन डे एग्जाम वाले वो आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, अगर चाहो तो मैं इनको आपको सॉल्व करा सकता हूं। देखिए आप दो चार क्वेश्चनों को देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद ए एप्रोवरेट प्रोपोजिशन, यहाँ पर आपको प्रोपोजिशन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो क्या करा द मेल ट्रेन ड्यू 3 PM, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 80वें प्रश्न का, तो आपको पता है ऑप्शन बी 8:30 PM हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और कह रहा है वन हु हेट्स वुमेन इन कॉल्ड, यानी वह व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता हो, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, मिथिनोलोपिस्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिफोजिनिस्ट कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, यहाँ पर बुक दी गई है डॉक्टर फर्स्टस, यहाँ पर डॉक्टर फर्स्टस की एक बुक दी गई है, वो किसने लिखी है, ठीक है, उसके राइटर आपसे पूछेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
क्रिस्टोनस मोरफल यानी ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, द केट जंप द चेयर, तो यहाँ क्या हो जाएगा बता दीजिए फटाफट, ऑफ आएगा, ऑन आएगा, फ्रॉम आएगा, ऑन आएगा, राइट आंसर हो जाएगा पर ऑप्शन ऑफ द चेयर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है, यू शुड वर्क हार्ड विल यू फेल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा ऑप्शन वी लिस्ट। इस प्रकार आप इनके क्वेश्चनों को यहाँ पर इसी प्रकार के आपके इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप इंग्लिश के क्वेश्चनों को आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, आगे ये प्रजातियाँ आपके दी गई कि कौन सी प्रजाति कहाँ देगी, प्रश्न करा रचना निम्न से किस फसल की प्रजाति है, तो आपको पता होगा रचना किस फसल की प्रजाति। इन क्वेश्चनों के कुछ ऐसे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा धान का वैज्ञानिक नाम, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछ जाते हैं, ऑरिजा सटवम होता है, राइट आंसर हो जाएगा। देख अगला कह रहा है राधे किस फसल की प्रजाति, तो राधे आपकी किसकी फसल की है, तो राधे आपके मक्का की प्रजाति होती है। इस प्रकार आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। देखिए आम्रपाली एक प्रजाति, तो आम्रपाली एक आम की प्रजाति है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके सारे, थापक विध से सिंचाई की जाती है, तो थापक विध से सिंचाई की जाती है वो इन क्षेत्रों में की जाती है, गेहूँ और चने में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके राइट आंसर हो जाते हैं। इधर आपके किसके रीन के क्वेश्चन दिए गए, जैसे देखिए लंदन थेम्स, तो पेरिस यानी लंदन है वो थेम्स नदी पर बसा, तो पेरिस किस नदी पर है, सीन नदी पर बसा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। तो ये तो था आपके आईएसपीएस निःशुल्क कोचिंग, जो मन में लेकर बैठे हैं कि हमको कोचिंग करनी है उनके लिए पेपर। आप इस पेपर को देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे और एग्जाम को दिमाग में रखकर तैयारी करेंगे। देखिए सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पर सबसे अधिक प्रश्न आपके जीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जीके के लिए क्या करना, एक लूसेंट की बुक ले लीजिए और एक आते एसएससी करना चक्री, आप उन दोनों को अच्छे से कवर कीजिए। उसके साथ साथ आप करेंट अफेयर पर फोकस कीजिए और साथ ही साथ साइंस के बुक भी आपको पढ़नी होगी, लूसेंट साइंस की है तो उसको देख लीजिए, और एक बुक और मैं आपको बता दे रहा हूं वो आप देख लेना। ठीक है, उस बुक का नाम है कहाँ से, देखिए मैथ और रीजनिंग तो आप आसानी से उनको कवर कर सकते हो। एक पर्यावरण की आती है बुक, एक पर्यावरण की बुक ले लेना परीक्षा वाणी की, उसको भी आप देख लेना, आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। मैं पहले इस एग्जाम को निकाल चुका हूँ, मैंने इस एग्जाम की तैयारी 2018 में की, तो मैं इस एग्जाम को पहले अटैम्प्ट मेरी जो ऑल यूपी में रैंक आई थी वो 93 आई थी। ठीक है, ऑल यूपी में इस एग्जाम मेरा 93 में नंबर आया, तो आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। मैं आपको बता दूंगा किस किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, 8 महीने की करेंट अफेयर आप अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। देखिए आपने अभी भी इस एग्जाम में देख रहा हूँ 19 वाले में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।